तो गाइस ये देख लो पूरा पूरा बांध खत्म हो चुका है, सिर्फ इतने से काम है। तो अब दूसरा बांध भी लगने वाला है। इनको बोलते हैं बांध, जो ये रस्सी है तो इसको बांध बोला जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज फिर आ गए अपने नए व्लॉग के साथ। मैं तो आज मैं घर पर हूँ अकेला, और आज मैं अकेला पड़ा पड़ा बोर हो गया था, तो मैंने अभी व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है अपना। तो दो तीन दिन के बाद मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, और मेरा अभी मन भी नहीं कर रहा है व्लॉग बनाने का, क्योंकि वीडियो पर बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं, इसीलिए वीडियो मेरी बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है यूट्यूब चैनल पर। तो थोड़ा सपोर्ट भी क्या करो, और वीडियो को शेयर कर दियो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो गाइस आज मैं आया हूँ बहुत ही दिनों बाद। अभी मुझे अपने गैलरी में एडमिशन भी करवाना है, तो मैं अभी कुछ दिनों में एडमिशन भी करवाने वाला हूँ। वैसे तो मुझे आज ही जाना था, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी 3-4 दिन बाद ही एडमिशन करवाऊँगा, तो 3-4 दिन बाद फिर चलेंगे, फिर एडमिशन करवाएंगे। तो अभी तक तो मैं फ्री हूँ, और व्लॉग आज मैं बनाने वाला हूँ कम से कम भी 2 दिन में हो, 2 दिन हो गए होंगे मुझे। और तो आज मैं 2 दिन के बाद आज अपना फिर से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद हमारे भी लोग आ रहे हैं, पहले जैसे डेली व्लॉग आते थे तो वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा अभी मेरा मन सा नहीं कर रहा व्लॉग बनाने का। तो कोशिश करूँगा कि अब से मैं डेली व्लॉग बना पाऊँगा, तो देखते हैं कि कैसा कुछ चलेगा। थोड़ी ग्रोसी नहीं हो पा रही है अपने यूट्यूब चैनल की, व्यूज़ ही बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, कई किसी वीडियो पर 1 व्यूज़, किसी पे 2 व्यूज़। तो मेरा मन सा भी नहीं कर रहा था कि मैं अब व्लॉग बनाऊँ, पर अपना काम है, काम तो करना पड़ता है। तो मैं अब व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ, और अभी घर पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ, और अकेला पड़ा पड़ा मैं फ़ोन को ही देखे जा रहा था तब से, और तब से लेकर अब तक मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। तो अब मैंने अपना कैमरा उठाया, मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है, तो अब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, तो अब शायद मैं अब डेली व्लॉग भी डालूँ। और अगर प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट करो, यूट्यूब चैनल को थोड़ा ग्रो करवाने में मेरी मदद करो, यूट्यूब वीडियो को हमारी को शेयर करो, और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो गाइस अभी मुझे चाय पीनी है, तो मैं अपनी चाय बनाता हूँ, और पहले देख लेते हैं फ्रिज में दूध रखा है या फिर नहीं रखा है, और जो रखा है तो कितना रखा है। तो सबसे पहले करते हैं हम चेक फ्रिज के अंदर, ये रखा है ग्लास के अंदर दूध, तो हम दूध ले लेते हैं पहले, और अब चलते हैं और अब बनाने वाले हैं चाय। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ले लेते हैं इसको जिसके अंदर चाय बनाई जाती है, उसके बाद फिर इसमें दूध निकाल करके, चाय को तो सबको ही पता है कि कैसे बनाई जाती है। तो अब मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ दूध, और दूध डालने के बाद अब क्या करने वाले हैं, इसके अंदर चीनी और पत्ती डालेंगे, उसके बाद फिर इसको रख देंगे उबलने के लिए, फिर इसमें उबाल आएगा, और उसके बाद फिर ये पीने के लिए रेडी हो जाएगी, फिर इसको पी लेंगे। तो गाइस मैंने इसके अंदर अभी तक पत्ती तो डाल दी है, और अब क्या करने वाले हैं, ये देखो इलायची है, इलायची को डालने वाले हैं अपनी चाय के अंदर। तो पहले अपनी इलायची को पीस लेते हैं गाइस, अब इसको पीस लेते हैं चकला पीलन पर रख करके। वैसे तो इसके ऊपर रोटी बनाई जाती है, लेकिन हमने पीसी है इसके ऊपर अपनी इलायची। तो अब हम डाल रहे हैं चाय के अंदर, हमने इलायची को भी डाल दिया है,
तो अब इसके अंदर रह चुकी है चीनी, और चीनी डालने के बाद इसमें शुगर डालने के बाद फिर इसको रख देंगे हम अपनी गैस के ऊपर। तो गाइस ये रही अपनी शुगर, तो अब भी इसमें शुगर डाल रहे हैं, ये है अपना एक चम्मच, तो अपना एक चम्मच आ चुका है, ये अपना दूसरा चम्मच, तो दूसरा चम्मच भी आ चुका है, और इसके अंदर एक और चम्मच भी पड़ा हुआ है, और ये अपना तीसरा चम्मच भी जा चुका है। तो बस इतना ही हम शुगर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो अब इसको कर देते हैं बंद, और बंद कर करके इसको रख देते हैं। तो अब वेट करेंगे चाय पकने का, फिर चाय पकने के बाद फिर इसको अच्छे तरीके से पकाना है, और उसके बाद फिर पीएंगे। तो गाइस अपनी चाय पक करके रेडी हो चुकी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख लो चाय तो हो चुकी है पक करके रेडी। और गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जितना भी दूध था मैंने सारा का सारा लगा दिया अपनी इस चाय के ऊपर, तो भी मम्मी बात सुनाएंगी आ करके। तो सबसे पहले हम अपनी चाय को पी लेते हैं, अब बना दिया तो अब क्या सोचना। तो अब चलते हैं अपनी चाय को बना करके, बन तो गई है, उबाल भी आ चुका है चाय में, तो अब पीते हैं अपने, ले लिया अपनी चाय। तो अब चलते हैं अंदर और अब मिलते हैं चाय पीने के बाद। तो गाइस मैं अभी आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो एक बार जरूर देखना। ये देखो गाइस, इसने मुल्तानी लगाई हुई है, वो मेरा रिपोर्ट भी है। देखो गाइस मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। वो बाहर चला गया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो एक बार मैं अपनी पहले चप्पल पहन लेता हूँ, उसके बाद फिर चल। तो गाइस यहाँ पर देख लो पापा भर रहे हैं खाट को, और आप लोगों को पूरी पूरी प्रक्रिया दिखाने वाले हैं खाट भरने की, तो पूरी पूरी वीडियो को देखना, और थोड़ा स्पीड में वीडियो को करके दिखाने वाले हैं आप लोगों को एक खाट कैसे भरी जाती है, थोड़ी बहुत ही दिखाएंगे। पूरी खाट तो कम से कम एक से दो दिन में भरी जाती है, तो कुछ सीन्स दिखाएंगे आप लोगों को खाट भरे जैसे कि भरी जाएगी, तो दिखाते हैं और अपनी स्पीड में वीडियो को करके दिखाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, छोटी बने हमारी वीडियो। तो अभी न दिखाने वाला हूँ खाट ने, पापा भर रहे हैं खाट को,